बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माय डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडेस यूनिट इज़ बेसिकली एन असाइनमेंट फॉर यू ऑल विच कैरीज 10 मार्क्स एंड यू पीपल आर फेमिलियर दैट दीज मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर मेकिंग असेसमेंट फॉर द मिड टर्म एंड फॉर द फाइनल टर्म। So in the previous topic lectures, we have discussed about different basic principles of medical ethics, and then we had discussed in the unit 3 about consent and different types. So today I will be giving different case studies scenarios, and you people will have to apply the previous knowledge on these concepts. So listen carefully. Case number 1, a female patient of age 35 years having 3 kids presented to gynae and obs department with a pregnancy. The patient is unconscious. She needs C-section, cesarean section and hysterectomy. So the patient is unconscious, then which type of consent should be taken and from whom the consent will be taken? This is case number 1. Let me explain it in Urdu. Ek 45 sala female patient hai jiske 3 bacche hain, उसको गायनी डिपार्टमेंट में लेके आए हैं। ये उसकी फोर्थ प्रेगनेंसी है, उसका बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और दौरान ऑपरेशन उसके जो यूट्रस है जिसको हम बचीदाना कहते हैं वो भी रिमूव किया जाएगा। तो इस केस में कितने कंसेंट ज़रूरी है और पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, तो चूँकि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कंसेंट किससे दिया जाएगा? जो इसमें 2-3 किस्म के कंसेंट्स है और कंसेंट के क्या कंटेंट्स होने चाहिए और इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो क्या क्या पेशेंट के सामने रखे जाएंगे। केस नंबर 2, देयर इज अ 13 इयर्स चाइल्ड प्रेजेंटेड टू सर्जिकल डिपार्टमेंट विद अपेंडिसाइटिस एंड the surgeon is going to do appendicectomy, so which type of consent will be taken and from whom the consent will be taken? एक 13 साल का बच्चा है जो सर्जरी वार्ड में जिसका अपेंडिसाइटिस हुआ है और उसका ऑपरेशन होना है, तो आया ये बच्चा कंसेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है? अगर एलिजिबल है तो क्यों, नहीं है तो फिर भी क्यों, रीजंस आपने देने। सेकंड, अगर पेशेंट एलिजिबल नहीं है कंसेंट के लिए तो फिर कंसेंट किससे लिया जाएगा? तीसरा क्वेश्चन असाइनमेंट में यू हैव टू आंसर के अगर पेशेंट रिफ्यूज करता है या उसका अटेंडेंट कि हम ऑपरेशन नहीं करते तो कौन सा कंसेंट पेशेंट से लिया जाएगा? तो ये जो दो मैंने केस सिनेरियोस दिए तो इसमें तकरीबन सारे किस्म के जो कंसेंट से वो कवर होते, तो आप लोगों ने निकालना है और अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। तो ये आपकी एक्टिविटी असाइनमेंट है और इसके 10 मार्क्स हैं जो आपके जो मिड टर्म और फाइनल टर्म के लिए जो असेसमेंट बनेगा उसमें इंक्लूड होंगे। थैंक यू वेरी मच।